बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सजाद अमान और आप देख रहे हैं अमान ट्रैवल एंड फूड। तो आज हमारा प्रोग्राम है गुवाहाटी गेट के फूड स्ट्रीट का। वहां पर जो है ना कुछ ख़ास भी हैं और बाकी भी काफ़ी मज़े मज़े के खाने, तो आए हमारे साथ। अभी हम पहुंचे हैं यहां पर जो है ना गुवाहाटी गेट पेशावर में। गुवाहाटी गेट जो है पेशावर के जो वर्ल्ड सिटी है उसके 16 गेटों में से एक गेट है। अब यहाँ का जो है ना मतलब जो स्ट्रीट फूड है वो चेक करते हो। सर्दी का मौसम और उसमें गर्मा गर्म सूप जिसका बहुत ही लजीज मज़ा। पेशावर बदल रहा है जी, इसलिए कि पहले इस वक्त यहाँ पर इतना रश या इतना कुछ नहीं होता। जहाँ जितना जो है ना अभी है यहाँ पर आपको जो है ना बहुत ही मतलब है कि एक खूबसूरत माहौल देखने को मिलेगा। ये भी एक निशानी है अमन की। अभी हम जो यहाँ पर आए फजल रहीम कबाब हाउस, ये जो है ना शामी सीख कबाब के लिए बहुत ही पुरानी दुकान है, काफ़ी मशहूर है। ये हम
सीख कबाब शॉप है, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो हमारी ये थी कि हम यहाँ पर जो है ना मतलब ये कि इसको कढ़ाई में फ्राई करके खाएंगे, लेकिन बकौल इनके कि ये यहाँ पर जो है ना मतलब एक फ्राई नहीं करते बल्कि आपको सीख में ही बना के जो है ना वो मतलब देते हैं। तो देखते हैं अभी इनका इसी तरह चस्का। अच्छा ये हमने जो है ना एक ये ले लिया है, यहाँ पर क्योंकि खाने का अरेंजमेंट नहीं है, साथ टेक अवे ही है सिर्फ, लेकिन यहाँ पर जो मतलब इसके आप गुजरते हैं तो मतलब आप रिजिस्ट नहीं कर पाते। बाकी कबाब आप देख ले, बहुत ही खस्ता है, बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश और गर्मा गर्म। देखते हैं इसका जायका कैसा है। वाह लाजवाब, वाकई बहुत मज़ा आया। अब हमने तो यहाँ पर अपने पैक करवा लिए, अब घर में ही जाके पैक है, लेकिन आपके लिए जो है ना ये मतलब है कि मैंने अगर आप इसको देख लें बहुत ही जो है ना मतलब है कि सॉफ्ट है, और जो मसाले इन्होंने दिए हुए हैं इनकी ये अपनी ही रेसिपी है, और गरम मसाले कहते हैं डालते हैं फिर उसमें जो है ऊपर उसकी वो जो है लेप कर लेते हैं, तो उसकी वजह से जो जब ये कोयले पर बनता है तो इसका कुछ ज़बरदस्त किस्म का मज़ा आ जाता है। आप भी ज़रूर आएंगे, ये गुवाहाटी चौक में गुवाहाटी गेट के अंदर है, गुवाहाटी गेट के अंदर जब जैसे ही आते हैं सीधा तो यहाँ पर जो है ना जहांगीरपुरा के करीब जो है ना ये दुकान है, तो ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। इसी के साथ आज का एपिसोड हमारा इख्तिताम को पहुँचता है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।